अगर आप मैरिड हैं तो आज की वीडियो ध्यान से सुनिएगा एंड तक। हम आपको एंड में बताने वाले हैं कि मायके जाने की परमिशन आपको छुट्टियों में कैसे मिल जाएगी। फटाफट से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका संजनी अमेजिंग ब्लॉग्स में स्वागत है और मैं हूँ संजनी झा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा समय आपका बिल्कुल भी नहीं लेंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं मसालेदान। जी हाँ, क्योंकि दिवाली आ चुकी है, धनतेरस के दिन सभी को कुछ ना कुछ लेनी होती है घर के लिए होम अप्लायंस। तो हम आपके लिए कुछ आइडियाज लेकर के आ चुके हैं कि आप इस दिवाली में क्या परचेस कर सकते हो, क्या चीज़ ले सकते हो। वैसे तो हर कोई वही चीज़ लेता है, परचेस करता है जो उसको ज़रूरत हो, जो चीज़ लेनी हो, जिस चीज़ का आप वेट करते हो कि हाँ भाई चलो धनतेरस में ले लेंगे, नवरात्रि में ले लेंगे, दिवाली में ले लेंगे, इस चीज़ का जो वेट करते हैं। तो ये जो टाइम आ चुका है अब, तो हम आपके लिए इस तरह की आइडियाज़ लेकर के आ चुके हैं। इसमें आप ज़्यादातर लेते हो बर्तन, बर्तन परचेस करते हैं, या घर की जो बड़ी बड़ी अप्लायंस होती है इलेक्ट्रॉनिक वाली वो परचेस करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं सोना और चांदी परचेस करते हैं। जी हाँ, गोल्ड और सिल्वर ज़्यादा परचेस करते हैं धनतेरस के दिन। और कपड़े तो कॉमन है, वो तो सभी लेते ही हैं, तो कोई बात ही नहीं हुई। बाकी घर की सामान भी जो होती है वो धनतेरस के दिन आप परचेस करते हो। तो इतनी सारी चीज़ें जो होती हैं खास करके धनतेरस के लिए होती हैं। तो चलिए आपके लिए हम बेस्ट आइडिया कुछ लेकर के आ चुके हैं। ये देखिए मसालेदान है, मसाले रखने वाली डिब्बी, आप इसे भी परचेस कर सकते हो अगर आपके घर में नहीं है तो। वैसे प्लास्टिक की भी आती है, ये देखिए चम्मच, इसमें स्पून भी है। वैसे इसमें अलग से हमने परचेस की है, इसमें ये इसके साथ नहीं आई थी, तो हमने जो है शॉप पर से अलग से परचेस किया था, इसका प्राइस अलग से पे किया है हमने। हम इसका प्राइस भी बताएंगे इस मसालेदान का। और ये दो प्रकार की जो है स्पून है, देखिए एक बड़ी है एक थोड़ी सी छोटी है, इसकी डंडी थोड़ी बड़ी और छोटी है। देखिए दोनों अच्छी ही चम्मच है, स्पून जो है दोनों अच्छी है और दोनों इसके अंदर आ जाती है, और इसकी जो है टिफ़िन की लिड भी लग जाती है। और ये जो मसालेदान है 2-in-1 है, वो कैसे हैं हम आपको दिखाते हैं। 3-in-1 समझ लीजिए, 2-in-1 भी नहीं, 3-in-1 है ये। तो हम आपको दिखाते हैं कैसे 3-in-1 होगी ये। तो इस तरह से है, इसमें 7 कटोरियाँ हैं, तो 7 मसाले आप इसमें रख सकते हो, काफ़ी ईजी हो जाता है, सारे मसाले इसमें आ जाते हैं और एक साथ आपको सब कुछ मिल जाता है। और ये देखिए ये पहला बेनिफिट हम आपको दिखाते हैं, ये जो कटोरी है इसे आप जो है कटोरी के तरह भी यूज़ कर सकते हो। इसमें आप चटनी छोटी वाली जो हल्की थोड़ी थोड़ी जो सब्ज़ी होती है सूखी सब्ज़ी, या फिर ज़्यादातर इडली के लिए चटनी, और बहुत सारी जब आप बनाते हो तब आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो जो कम मात्रा में चीज़ें होती हैं उसके लिए आपको कटोरी अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आप इसे कटोरी की तरह यूज़ कर सकते हो। 7 कटोरियाँ हैं इसके अंदर। और अगर मान लीजिए आपने मसाले रखे हैं तो आपको इस तरह से जो है ख़त्म हो जाती है लास्ट में, तो इस तरह से आप निकाल करके मसाले निकाल सकते हो ईज़िली। ऐसे वॉश करना भी काफ़ी इजी हो जाता है। देखिए इस तरह से हम इसे बताते हैं, एक तो बता दिया कटोरी की तरह यूज़ कर सकते हो आप, एक मसाले जो है आप कटोरी उठा के भी निकाल सकते हो। दूसरा देखिए ये टिफ़िन, टिफ़िन जो है खाली हो चुका, अगर आपको कभी टिफ़िन की ज़रूरत हो तो इस तरह से टिफ़िन की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हो। और ये बहुत बड़ी टिफ़िन है, अगर बड़ी टिफ़िन की ज़रूरत पड़ी तो इस तरह से टिफ़िन की तरह यूज़ कर सकते हैं इसे। तो ये हो गई 1, 2, 3, तो हुई ना 3-in-1। एक मसालेदान जो है, एक मसालेदानी आपको 3 चीज़ में यूज़ आ सकती है, आप इस तरह से यूज कर सकते हो। और इसका प्राइस हम बता दें, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, इसका प्राइस हमें पड़ा है 250 रुपये। जी हाँ, 250 रुपये पड़ा है बस, 250 रुपीज़ पड़ी है इसका प्राइस जो है। स्पून हमें अलग से लिया है, इसमें हमने 3 स्पून परचेस किया था, 6 नहीं परचेस किया, 2 आपको दिखा रहे हैं क्योंकि दोनों अलग अलग साइज़ की है, और 1 स्पून हमने किसी और डब्बे में डाल दिया है, तो 2 हमने आपको दिखा रहे हैं। तो देखा आपने इस तरह से एक टिफ़िन हो चुकी है, अगर टिफ़िन की ज़रूरत है तो टिफ़िन आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको छोटी कटोरियाँ चाहिए तो कटोरियों का भी यूज़ कर सकते हो आप। ये 2 हो गए और मसालेदान तो खुद है ही, तो आप 3 तरीके से इसे यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी अच्छी है। स्टील की है तो ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं है, और इस तरह से जब ज़रूरत हो आप इस तरह से डाल दीजिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया, और इसके साथ आप जीरा भी डाल सकते हो, और जो खड़े मसाले वो भी डाल सकते हो क्योंकि एक्स्ट्रा बच जाती है, गर्म मसाले भी डाल सकते हो, आपको जितनी चाहिए हर चीज़ इसमें डाल सकते हो। और इसका बेस्ट यूज़ हमें
बहुत अच्छे से जो है हमें ये लगता है इसका, हम आपको बताते हैं जो अकेले रहते हैं, अगर आप मान लीजिए मायके चले जाते हो तो आपके हस्बैंड के लिए काफ़ी काम का चीज़ है, आपके हस्बैंड को कोई मसाले जो है ढूंढने नहीं पड़ते, इसमें भर के आप चले जाइए तो काफ़ी इजी हो जाता है उनका खाना बनाने का जो काम होता है वो काफ़ी इजी हो जाता है, फटाक से एक डब्बा उठाया सारे मसाले उनको फटाफट से मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बेनिफिट है, तो इसलिए इसे यूज़ ज़रूर करना चाहिए। और इसका प्राइस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 250 रुपये का है, और इसमें आपको कितनी अच्छी बेनिफिट मिल रही है कि आपको मायके जाने मिल रही है और बहुत आसानी से आपको परमिशन भी मिल जाएगी, हाँ चले जाओ भाई 2 4 दिन 5 दिन 10 दिन जितने दिन रहना है रह लो आराम से, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप फटाफट से देख पाएँ। तो बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, दिवाली आइडियाज़ कैसे लगे आपको बताइएगा हमारे, जो कि हमने आपको आइडियाज़ दिए हैं कि कौन सी चीज़ें परचेस करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए दिवाली के लिए, कैसे कैसे आइडियाज़ जो जो करनी है परचेस आपको कैसी लग रही है बताइएगा कमेंट बॉक्स में।